हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम सब पढ़ेंगे मात्राओं का ज्ञान। बहुत से बच्चे ये कहते हैं, सर जी ये कौन सी मात्रा है, मुझे नहीं आ रहा है। बार बार भूल जाते हैं, कभी ई की मात्रा को ऊ बताते हैं, तो वो सब डाउट दूर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आओ देखते हैं, ठीक है? देखो ये तो अ है, तो अ की तो मात्रा होती नहीं है, तो इसको तो बाहर ही कर देना है, भूल जाना है एकदम, इसकी कोई मात्रा ही नहीं है, ठीक है? अब आ की मात्रा देखो प्यारे बच्चों, तो ये बोलता है कि मैं इसी में हूँ, ये रहा आग की मात्रा, तो आप ऐसे लिख दो आग की मात्रा, आपको थोड़ा भी याद नहीं करना है, सब इसी में मिलेगा। ई की मात्रा अभी इसको छोड़ दो, अभी ऐसे रहने दो। ई की मात्रा बड़ी क्या, देखो ये क्या बोलता है कि मैं पीछे हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ, तो तुमको लोग चलो पीछे में ले जाता हूँ तुमको, बड़ी की मात्रा हो गया, ठीक है? अब देखो छोटा ओ की मात्रा प्यारे बच्चों, तो देखो ये बोल रहा है कि मैं ऐसे हूँ, तो तुम भी कर दो चलो ऐसे हो जाओ, ठीक है? सब चीज़ इसी में मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं रटना है। देखो बढ़ाओ की मात्रा देखो ऐसे है, तो तुम भी क्या कर दो, बढ़ाओ की मात्रा पीछे कर दो। आप इजीली समझ सकते हो प्यारे बच्चों कैसे हम करेंगे। अब देखो री की मात्रा, देखो बच्चों ये भी बोलता है मैं भी इसी में छिपा हूँ ऐसे, तो तुम भी बोलो चलो तुमको बाहर निकाल देता हूँ, री की मात्रा हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक की मात्रा है, देखो बीच में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं, देखो ये पोछ है ना ऐसे, ये पोछ ही उसकी मात्रा है, ऐसे निकाल लो एक की मात्रा प्यारे बच्चों, ठीक है? अब ए की मात्रा देखो प्यारे बच्चों, तो ए की मात्रा के लिए देखो एक तो ये तुम पहले से ले रहे थे, और एक और उसका भाई है यहाँ पर, दोनों भाई को मिला दो एक ही घर में रख दो, ए की मात्रा प्यारे बच्चों। अब ओ की मात्रा देखो, ये भी यहीं पर है खड़ा है, उसको भी बाहर निकाल लो, ओ की मात्रा, ठीक है? अब देखो प्यारे बच्चों ओ की मात्रा, एक दो, ये हो गया आपका प्यारे बच्चों ओ की मात्रा, ठीक है? समझ गए ओके। अब प्यारे बच्चों अंग की मात्रा देखो, ये खड़ा है ऐसे चुपचाप, अंग की मात्रा हो गया। अह की मात्रा प्यारे बच्चों ये भी यहाँ पे लगा है, पीछे एकदम लगा हुआ है, रो रहा है, अह की मात्रा, ठीक है? तो इतने तो सब मात्रा बता लिए, क्योंकि नहीं बच्चे बहुत से क्लास के बाहर घूमते रहते हैं, कहते हैं मुझे पढ़ने में नहीं लगता है, वही है घूम रहा है क्लास के बाहर, इसका कोई मात्रा से मतलब नहीं है, और सब बच्चे देखो यहीं पर है। अब छोटी ई का बच्चा है ये बताना है, देखो ये इसके पास में है ना, तो यानी इसका पड़ोसी है, ठीक है? मैं कैसे ढूंढ पाऊँगा इसमें कौन सी उसकी मात्रा है, तो देखो ये इसका पड़ोसी से, ये अपने पड़ोसी से बात नहीं करता है, दूर रहता है, तो देखो ये भी दूर भागा है, तो इसको भी क्या कर भगा देना, ठीक है? जैसे ही दूर भगाओगे तो क्या होगा, छोटी की मात्रा होगी, ठीक है? समझ गया ना, देखो एकदम हो गया, ये भी दूर भाग गया है, बोला है कि देखो ये किसी से बात नहीं करता है क्लास में, तो ये भी थोड़ा दूर है, तो तुम भी इसको दूर बना दो, इधर छोटी की मात्रा आगे बना दो इसको, ठीक है? बस ये पीछे गया तो इसको आगे बना दो, ये छोटी की मात्रा हो गया। बस इसी को आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, बाकी सब तो इसी में है, एकदम इजीली है मात्राओं का ज्ञान, आप समझ जाओगे। देखो एक बार रिपीट मैं कर देता हूँ, आ की मात्रा ये रहा, छोटी ई की आगे, क्योंकि ये इसका भाई है, बात नहीं करते हैं आपस में, तो ये भी दूर रहता है, तो ये भी दूर रहता है, आप ऐसे याद कर सकते हो। छोटा ऊ की मात्रा ये रहा आगे गया, बड़ा ऊ की मात्रा ये गया पीछे, री की मात्रा इसी में है ऐसे, ई की मात्रा ये रहा, ऐ की मात्रा एक दो, ऐ की मात्रा ओ की मात्रा ओ की मात्रा ओ की मात्रा अंग यहीं पर है, यहीं पर है। तो आज आपने मात्राओं का ज्ञान समझा। अब अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो मात्राओं से शब्द बनाएंगे और शब्द समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ज्ञान के साथ, अभी के लिए गुड बाय।